शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज बनना है। बाप आए है तुम सबको भक्ति का फल देना। प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे देह और देह के सब संबंध दुख देने वाली हैं, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा, मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। गीत, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो, शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता ब्रह्मा को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां के रहने वाली हो। वो बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। स्त्री मिली, कुछ किटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदली अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हैं, हम तुमको सुखी सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह फिर फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है।
तुम्हारी कितनी अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ा, ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े, याद भी करते हैं। हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते भी है वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में लेकर गए हैं। ये है भूल। यह सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूले करते ही नहीं, भूल कराने वाली है माया। वहां माया ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी है। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है तुमको किसने दिया? कहते हैं भगवान ने दिया, बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चली जाती हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम है देवता कुल के, आपे ही पूजा आपे ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज बन रहे हैं, आधा कलप पूज रहे और आधा कलप पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, वह तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं। हे शिव भोला भंडारी, झोली भर दो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लिए लायक कहाँ है? बाबा नालायक को लायक बनाते आए है। राज योग सिखला कर महारानी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। शिक्षा देते हैं ऊंच पद पाकर नाम बाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते ही है ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो। इस हालत में क्या करना है? बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों का हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते।
पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को, बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं, बाबा शिक्षा देते हैं। अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे, जो जितना वर्षा देंगे उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही ये मकान आद है, यह प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है, फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो, तो अंत मत्ते सुगति हो जाएंगी, बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो, बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज किया फिर हराया, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ, मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है, गुरु गुसाई आदि सब से संबंध तोड़, मैं आत्माओं से बात करता हूँ आर्गन्स द्वारा, बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर तो आ न सके, बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं, तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो, सारा कलप तुम देह अभिमान में रहे, सत्युग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए, पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता था, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं, अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो, अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो हे सद्गति दाता, हे मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे, ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्कर फिरता ही रहता है, न आत्मा मिटती है न उसका पार्ट ही मिटता है, ये बना बनाया खेल है,
इनसे कोई भी छूट न सके। बाप कहते हैं, मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अब जब कि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं? कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखर अंत मत्ते सुगति तो हो जाएंगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होंगी, तो सजाएं खूब खाएंगी। जैसे काशी कलवट खाते हो, उनको जीवघात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, वो तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। यह पुराना शरीर है, साखी होकर रहना पड़ता है। अब वापस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे, तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो, ब्रह्मा कुमारी कन्याएं भी है, अधर कुमारियां भी है, वह निर्विकारी रहती है, वह भीष्म पिता में आद गाय हुई है। ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए है सो अब कर रहे हैं। यह मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेगी। ये सब बातें धारण करने की है, यह अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। भगवानों बच्चे, तुमको नरसिंह नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते, इनकी आत्मा भी सुन रही है। यह घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कच्छव का बिरमिरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जानने करना ये कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माता क्यों मारते हो? यह तो सब भस्म हो जाना है। पोतरे पोतरियां कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने के है। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे शकील थे बच्चों पर, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है
जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आवे, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। अभी वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाली सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्वोन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग्स। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगी। लास्ट में स्लोगन है गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। ओम शांति।